मेगा रैली में पहुंचते ही राहुल गांधी ने बवंडर ला दिया, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। जी हां, आपको चली कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी बेलगावी जिले में एक मेगा रैली को आज संबोधित भी करने वाले। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एयरपोर्ट पर पहुंच चुके, जहां पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार व सिद्धारमैया ने पटका पहनाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भव्य स्वागत किया है। बताया चले कि राहुल गांधी कांग्रेस के चौथे चुनावी वादे की घोषणा करने के लिए युवा क्रांति रैली में आज हिस्सा लेने वाले। कर्नाटक में पार्टी ने जनवरी में अपना चुनाव अभियान शुरू करते समय सत्ता में आने पर 5 गारंटी देने का वादा भी किया था। इसी को देखते हुए अब राहुल गांधी ने कमर कस ली और लगातार अब राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको पता चले कि राज्य चुनाव में पहले अपना राजनीतिक भाषण देने के बाद कांग्रेस नेता तुमकुरु के लिए रवाना होंगे, जहां पर वे एक रैली में शामिल होंगे। बेलगावी 18 विधानसभा सीटों के साथ बेंगलुरु के बाद दूसरी सबसे बड़ी सीटों वाला इलाका है और पार्टी को राज्य के उत्तरी क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। बेलगावी की 18 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए सीटों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए इस साल मई में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कमर कस ली है और लगातार अब राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल राहुल गांधी आज एक भव्य रैली को संबोधित भी करने वाले हैं, जहां पर लाखों की तादाद में भीड़ भी उमड़ने वाली है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है, और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक।